फ्रेंड्स ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही होता है लगभग इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है और मैट्रिक्स हमारे पास फ्रॉम सिटी से टू सिटी तक दिए हुए रहते हैं और क्वेश्चन रहता है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और मैट्रिक्स दे दिया है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग को सोल्व करने से पहले तो ट्रेवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम क्या होता है वो जानना होगा इसके क्या क्या कंडीशन है उसको भी जानना होगा और स्टेप्स को जानना होगा तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम ये सारी बातें को जान लेते हैं तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑलरेडी जो है बहुत सारी वीडियो अपलोड कर की है तो आप लोग मेरे वीडियोज को देख सकते हैं मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो चलिए शुरू करते हैं तो ट्रेवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम क्या होता है ट्रैवलिंग हमारे पास जो है एक सेल्समैन होता है और वो सेल्समैन को जो है हमारे हर एक सिटीज पे विजिट करना होता है मतलब सेल्समैन के पास मान लीजिए पांच सिटी है जिसमें उसको विजिट करना है तो उसको हर एक सिटी पे एक एक बार विजिट करना ही है और उसको वापस जो अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आना है मतलब अगर वो सिटी ए से स्टार्ट किया और उसके पास पांच सिटी है तो वो पांचों सिटी को एक एक बार विजिट करेगा और वापस अपने सिटी ए पर वापस आ जाएगा विजिट करने के लिए उसको कुछ इस तरीके से विजिट करना है सिटीज पर कि उसका जो टाइम हो या फिर हम लोग कॉस्ट कह सकते हैं वो जो है मिनिमम लगे तो यही चीज जो है यहाँ पे लिखी हुई है तो आप लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम से अगर मतलब फैमिलियर है तो आप लोग जानते होंगे कि हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में जब किया था तो हमने जो है हर एक जॉब और हर एक मशीन के लिए जो है हर एक असाइनमेंट किया था तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को असाइनमेंट ही करना है लेकिन असाइनमेंट कुछ इस तरीके से करना है कि हमारा जो सेल्समैन रहे वो सिटी ए से सिटी बी पे जाए फिर बी से सिटी सी पे जाए मतलब हर एक सिटी पर एक एक बार विजिट करके वो जहां से स्टार्ट किया था वहां पर वो वापस आ जाए तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से असाइनमेंट ही करना है अब कुछ कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन है नो सिटीज टू बी विजिटेड ट्वाइस बिफोर द टूर ऑफ ऑल सिटीज कम्पलीटेड हम लोगों को किसी भी सिटी को दो बार विजिट नहीं करना है हर एक सिटी को एक एक बार ही विजिट करना है लेकिन सभी सिटी को विजिट करना है और हम लोग को विजिट सब को विजिट करने के बाद वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस चले जाना है और दूसरा कंडीशन है गोइंग टू द सिटी आई टू आई इज नॉट परमिटेड सिटी आई टू आई का मतलब है ए टू ए यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी है तो सिटी ए से सिटी ए पे हम लोग नहीं जा सकते हैं सिटी बी से सिटी बी पे भी हम लोग नहीं जा सकते हैं सिटी सी से सिटी सी पे भी हम लोग नहीं जा सकते हैं इसी तरीके से हम लोगों को बोला है आई से आई इज नॉट परमिटेड तो हम लोग कुछ स्टेप्स को देख लेते हैं स्टेप्स है हमारे पास ट्रीट द प्रॉब्लम एज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सोल्व इट यूजिंग द सेम प्रोसीजर इफ द ऑप्टीमल सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लमल कंस्ट्रेंट देन इट इज एन ऑल्सो ऑप्टीमल सोल्यूशन ऑफ द गिवेन ट्रेवलिंग सेल्स मैन प्रॉब्लम इफ द सोल्यूशन टू द असाइनमेंट प्रॉब्लम ड नॉट सेटिस्फाई द एडिशनल रिस्ट्रिक्शन देन आफ्टर सोल्विंग द प्रॉब्लम बाई असाइनमेंट टेक्निक वी डू दी सम स्टेप टू फाइंड दिमल सोल्यूशन इसका मतलब हम लोग को करना है जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद जो हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन वहां से निकलेगा उस सोल्यूशन को हम लोग चेक करना है कि हमारा जो ट्रेवलिंग सेल्समैन का कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो ऑप्टीमल सोल्यूशन होगा वो हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए ही ऑप्टीमल सोल्यूशन हो जाएगा अगर वो जो सोल्यूशन हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम से निकल करके आया है वो हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोगों को कुछ और जो है एडिशनल स्टेप्स को जो है करने होंगे और उसके बाद हम लोग को देखना होगा कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल करके आया या नहीं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस जो तो प्रॉब्लम है इसको हम लोग को असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना होगा तो यहां पे हम लोग पहले लिख सकते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल सो द मैट्रिक्स इज बैलेंस तो हम लोग को पहले तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में चेक करना होता है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो बैलेंस्ड है या नहीं तो यहाँ पे देखिए फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स बन रही है इसका मतलब ये बैलेंस मैट्रिक्स है अब हम लोग को इसके बाद रो रिडक्शन निकालना होगा रो रिडक्शन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं हम लोग हर एक रो में जो है मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और सारे वैल्यूज में से उस मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं ओके okay, तो यहाँ पे हम लोग करना है सब द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट इन इट्स रो तो हम लोग को रो वाइज करना का है अपना काम तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो रो है इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू फोर है तो सभी वैल्यूज में से जो है फोर को माइनस करके अपने मैट्रिक्स में लिखना होगा तो इन्फिनिटी माइनस फोर होगा हमारे पास इन्फिनिटी फोर माइनस फोर हो जाएगा जीरो नाइन माइनस फोर होगा फाइव और फाइव माइनस फोर होगा वन इसी तरीके से दूसरे रो में हमारे पास इसमें मिनिमम वैल्यू है फोर तो यहाँ पे फोर को सब वैल्यू में से फोर माइनस करेंगे सिक्स माइनस फोर आ जाएगा हमारे पास टू इन्फिनिटी माइनस फोर इन्फिनिटी फोर माइनस फोर जीरो एट माइनस फोर फोर इसी तरीके से थर्ड रो में भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू फोर है तो सभी में से फोर माइनस करेंगे नाइन माइनस फोर फाइव फोर माइनस फोर जीरो इन्फिनिटी माइनस फोर इन्फिनिटी नाइन माइनस फोर फाइव और हमारे पास लास्ट रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है फाइव तो सभी में से फाइव को माइनस करेंगे फाइव माइनस फाइव हो जाएगा जीरो एट माइनस फाइव होगा थ्री नाइन माइनस फाइव आएगा फोर और इन्फिनिटी माइनस फाइव आएगा इन्फिनिटी रो रिडक्शन के मैट्रिक्स को निकालने के बाद अब हम लोग का निकालना होगा कॉलम वाइज कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स हर एक कॉलम में हम लोग मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और सभी वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे ओके okay, तो अब हम लोग को कॉलम वाइज इस काम को करना होगा तो इस कॉलम में देखे मिनिमम वैल्यू है हमारे पास जीरो तो सभी वैल्यू में से जीरो माइनस करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा तो इन्फिनिटी टू फाइव जीरो ओके इसके बाद इस कॉलम में भी हमारे पास जीरो ही मिनिमम है तो यहां पे कॉलम बी का वैल्यू भी जो है सारा सेम ही रहेगा कॉलम सी में देखिए यहां पे भी जीरो है तो यहां पे भी सेम रहेगा फाइव जीरो इन्फिनिटी फोर और कॉलम डी में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वन तो सभी वैल्यू में से वन को माइनस करेंगे वन माइनस वन जीरो फोर माइनस वन थ्री फाइव माइनस वन फोर और इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी ओके कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स को अब हम लोग फाइंड आउट कर लिया है इसके बाद करना क्या है कॉलम रिडक्शन के बाद हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजोनटल और वर्टिकल लाइन्स को ड्रॉ करना है ताकि हमारा सारा जीरो जो है वो कवर हो जाए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसमें दो जीरो है सेकेंड रो में वन जीरो वन जीरो वन जीरोके तो हम लोग टू जीरो वाला जो है इसको हम लोग क्रॉस मतलब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कॉलम वाइज में भी देखेंगे तो वन जीरो वन जीरो वन जीरो है ओके okay, तो हम लोग इसको लाइन पूरे लाइन्स को कवर करने के लिए सब सब में एक एक जीरो बचे हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पे वन जीरो है तो इसको इस तरीके से जो है कॉलम वाइज रो वाइज किसी भी तरीके से जो है कवर कर सकते हैं कॉलम वाइज अगर इसको करेंगे तो भी मैं किसी तरीके से भी करें तो भी हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स जो ड्रॉ होंगे वो फोर होंगे वन टू थ्री फोर फोर लाइन्स ड्रॉ हुए और हमारे पास जो है सारे जीरो जो है कवर हो चुके हैं तो अब हमारे पास देखिए जो है चार हमारे पास रोज uh, है नंबर ऑफ रोज फोर है और नंबर ऑफ लाइन जो हमने ड्रॉ किया वो भी फोर है इसका मतलब यहां से जो हमारा जो हम लोग असाइनमेंट करेंगे उससे जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए ऑप्टीमल सोल्यूशन होगा ओके okay? तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसमें असाइनमेंट कर लेते हैं ओके okay, तो मैंने एक बार फिर से इस मैट्रिक्स को लिख लिया है अब इसमें असाइनमेंट करना है आप लोग जानते हैं किस तरीके से असाइनमेंट करते हैं जिस रो में हमारे पास वन जीरो रहेगा तो उसको हम लोग मार्क कर देंगे और उसके साथ जो जो जो, जो कॉलम रहेगा उसको हमारे उसमें जो जीरो रहेंगे उसको क्रॉस कर देंगे अगर टू या टू से ज्यादा जीरो रहेंगे तो उसको स्किप कर देंगे जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास दो जीरो है इसको स्किप कर दिए सेकेंड रो में हमारे पास वन जीरो है तो यहाँ पे इसको हम लोग मार्क कर देंगे और इसके साथ हमारे पास जो भी जीरो रहेंगे कॉलम में उसको क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है हमारे पास थर्ड रो में एक जीरो है तो इसको यहाँ पे हम लोग मार्क कर दिए और इसके साथ हमारे पास जो भी जीरो रहेगा उसको क्रॉस कर देंगे ओके इसके बाद फोर्थ रो में भी हमारे पास एक जीरो है तो इसको हम लोग मार्क कर दिए और इसके साथ कोई जीरो नहीं है तो मार्क नहीं करेंगे इसके बाद हम लोग के पास देखिए एक जीरो बच गया है तो अब हम लोग फिर से रो वाइज या फिर कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे एक जीरो है इस एक जीरो को जो है मार्क कर देंगे और इसके साथ जो है जीरो सब क्रॉस्ड है तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट तो असाइनमेंट किस तरीके से हुआ यहाँ पे पहले लिखना होगा पहले जो है ए से डी हुआ है डी so, ए से डी के बाद जब हमारा सेल्समैन ए पे था वो ए से सिटी डी पे विजिट किया ओके okay? डी पे विजिट करने के बाद वो डी से फिर कहा गया फिर से ए में तो डी से फिर वो ए में चला गया ओके okay? तो वो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया ए से डी में गया और फिर डी से फिर ए में वापस चला गया तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास सिटी और बी और जो सी सिटी है वो विजिट वो किया ही नहीं तो ये हमारा जो यहाँ पर जो ऑप्टीमल सोल्यूशन है ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए ऑप्टीमल सोल्यूशन है लेकिन जो हमारा ट्रेवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है उसके लिए यहां पर ये ऑप्टीमल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है बी और सिटी और सी सिटी में जो है ट्रेवल सेल्समैन विजिट नहीं किया है अगर ऐसे देखे तो हम लोग जो है असाइनमेंट uh, तो ए से लेकर के गया है वो डी पे ए से डी फिर बी से गया है सी फिर सी से गया है वो बी और डी से गया है ए तो अगर हम लोग सिटी बी से भी स्टार्ट करें तो वो बी से सी गया और फिर सी से बी चला गया तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारा पूरा सिटी जो है कवर नहीं हो रहा है अब हम लोग को इसमें जो है देखना पड़ेगा क्या करते हैं तो अब हम लोग को जो है इस मैट्रिक्स में है फिर से बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होगा तो हमने लिखा है कि जो सॉल्यूशन था हमारा वो ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं था क्योंकि वो हमारा सेल्समैन जो था वो हर एक सिटी पे एक बार विजिट नहीं कर रहा था तो अब नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन के लिए देखते हैं क्या करना है हम लोग को हमारा जो यहाँ पे टेबल है इसमें से हमारा मिनिमम नॉन जीरो एलिमेंट को जो है चूज करना है तो इस टेबल में देखिए हमारे पास जो हमने जीरो पे जो असाइनमेंट किया था वो असाइनमेंट से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ रहा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो हमारा मिनिमम नॉन जीरो एलिमेंट है उसको चूज करेंगे तो हमारा मिनिमम नॉन जीरो जो एलिमेंट है जीरो के बाद नेक्स्ट मिनिमम वो है टू तो अब हम लोग क्या करेंगे टू को चूज करेंगे और हम लोग इसको जीरो की तरह ही ट्रीट करेंगे मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है टू नहीं है यहाँ पे जीरो है तो अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जीरो कंसिडर करके इसको एक फिर से असाइनमेंट करेंगे तो चलिए अब हम लोग जो है अपना इस मैट्रिक्स में असाइनमेंट करते हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में दो जीरो है छोड़ देंगे अब यहाँ पे सेकंड रो में जो है यहाँ पे टू है तो टू को जो है हम लोग को असाइनमेंट करना है तो हम लोग टू को जो है छोड़ नहीं सकते हम लोग को टू को असाइनमेंट करना है तो पहले क्या करेंगे हम लोग टू तो में असाइनमेंट कर लेंगे जैसे ही हमने टू तो में असाइनमेंट तो किया इसके साथ हम लोग पहले ये जीरो को क्रॉस करेंगे और इसके साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे जीरो है इसको भी क्रॉस कर देंगे दोनों तरफ हमने रो वाइज और कॉलम वाइज क्रॉस कर दिया इसके बाद हम लोग जो है थर्ड रो में जाएंगे तो यहां पे देखेंगे कि एक जीरो है तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई जीरो नहीं है फिर से हम लोग जो है कॉलम वाइज देखेंगे यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है हमारे पास यहां पे जो है एक जीरो है ओ सॉरी सॉरी यहां पे जब हम हमने असाइनमेंट किया तो इसके साथ हमने ये जीरो को क्रॉस नहीं किया तो ये जीरो जो है क्रॉस हो गया जैसे हमने सी पे जो है ये जीरो को मार्क किया इसके साथ ये जीरो क्रॉस हो गया तो यहाँ पर भी एक भी जीरो नहीं है अब हम लोग कॉलम सी में देखिए एक भी जीरो नहीं है कॉलम डी में हमारे पास एक जीरो है तो इसको हम लोग क्या करेंगे मार्क कर देंगे अब क्या हुआ हमारे पास जो सारे जीरो है मार्क भी हो चुके हैं और जो बचे हुए जीरो थे वो क्रॉस भी हो चुके हैं कोई भी जीरो हमारा बचा नहीं है तो अब देखिये यहाँ पर हमारे पास वन टू थ्री तीन जो है हमारे पास क्या हुआ है असाइनमेंट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट तो तीन है लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो फोर है इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो अब हम लोग को जो है अपने टेबल को जो है अपडेट करना पड़ेगा और सॉल्यूशन को ऑप्टिमल बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग अब न्यू एक टेबल बनाएंगे क्योंकि हमारा जो असाइनमेंट है और नंबर ऑफ रोज जो है वो फोर है जो ऑप्टीमल नहीं है तो हम लोग जानते हैं हम लोग जो है इस तरीके के प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ जो हमने लाइन्स को ड्रॉ किया था उसमें हम लोग मिनिमम चूज करते हैं हमारा अनकवर्ड एलिमेंट देखिए इस टेबल में जो हमारे पास जो टेबल है इसमें जो हमने मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को जो है ड्रॉ किया था इसमें हम लोगों को क्या करना है मिनिमम चूज करना है जो हमारा अनकवर्ड एलिमेंट है तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी थ्री थ्री और इन्फिनिटी ये चार वैल्यू जो हमारा अनकवर्ड है इसमें से मिनिमम है थ्री थ्री को चूज कर लेंगे और हमारे पास जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से उसको माइनस करके लिख देंगे मतलब हम लोग इन्फिनिटी माइनस थ्री करेंगे इसके बाद हम लोग जो है थ्री माइनस थ्री करेंगे फिर थ्री माइनस थ्री और इन्फिनिटी माइनस थ्री इसको हम लोग आगे लिख देंगे इसके अलावा जो हमारे पास इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है मतलब दो लाइन के इंटरसेक्शन पे जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे है फाइव यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू को एड करके लिख देंगे इन्फिनिटी प्लस थ्री यहां पे फाइव प्लस थ्री एट यहां पर भी फाइव प्लस थ्री एट और यहां पे इन्फिनिटी प्लस थ्री इन्फिनिटी ओके और बाकी सारे जो वैल्यू जो हमारे पास एक सिर्फ सिंगल लाइन पर है उसको उसी तरीके से लिख देंगे तो आइए हम लोग अपना न्यू टेबल में लिख लेते हैं वैल्यूज को ओके okay? तो यहां पर से जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था अब हमारे अपना मॉडिफाइड टेबल जो है फिर से लिख लिया है अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स को ड्रा करेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग के फर्स्ट रो में टू जीरो फिर यहाँ पे टू जीरो वन जीरो टू जीरो ओके कॉलम वाइज देख लेते हैं वन जीरो थ्री जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो मैक्सिमम है तो सबसे पहले कॉलम बी को जो हमने ड्रॉ कर दिया इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर टू जीरो है ओके तो टू जीरो के लिए भी हम लोग यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दिए इसके बाद हमारे पास अब कहां पे जीरो बचे है यहाँ पे एक जीरो बचे है यहाँ पे एक जीरो बचे इसको कॉलम वाइज रो वाइज कैसे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तो इस तरीके से देखिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया है हमने सारे जीरो जो है कवर कर दिए है अब ये सोल्यूशन जो है हमारे पास हमने फोर लाइन को ड्रॉ किए हैं तो हमारे पास हो सकता है कि यहां से भी ऑप्टीमल सोल्यूशन आ जाए नहीं भी आ सकता हम लोग चेक कर लेते हैं अब हम लोग को यहाँ पे असाइनमेंट करना होगा ओके तो हमने फिर से यहाँ पे अपना जो मैट्रिक्स लिख लिया है अब इसमें असाइनमेंट करेंगे अब देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट रो में टू जीरो स्किप कर देंगे सेकंड रो में टू जीरो स्कीप कर देंगे थर्ड रो में वन जीरो है वन जीरो है तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे और इसके साथ हम लोग के कॉलम में जो भी जीरो है वो क्रॉस कर देंगे इसके बाद कॉलम डी में सॉरी रो डी में यहाँ पे हमारे पास एक जीरो है एक जीरो है तो इसको मार्क कर देंगे और यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है इसके बाद हम लोग देखिए आप कॉलम वाइज इस काम को करेंगे इसमें एक भी जीरो नहीं है इसमें भी एक जीरो नहीं है कॉलम सी में हमारे पास एक जीरो है तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे इसके साथ हमारे पास रो में जो भी जीरो है उसको क्रॉस कर देना है इसी तरीके से हम लोग के पास कॉलम डी में एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे हम लोग मार्क कर दिए इसके साथ हमारे पास रो में कोई भी जीरो नहीं है तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से असाइनमेंट आया अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि ये जो असाइनमेंट आया है ये हमारे ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है यानी तो हम लोग देखिए हमारा जो सेल्समैन है वो ए से डी पे जाएगा मतलब हमारा सेल्समैन ए से डी पे जाएगा फिर हमारा सेल्समैन जो है डी से कहा जा रहा है ए पे तो यहां पर भी इस वाले में भी देखिए हम लोग का जो सेल्समैन है ए से डी पे गया फिर डी से ए पे जा रहा है फिर से हमारा सिटी बी और सिटी सी जो है ये विजिट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर से भी जो हमारा सॉल्यूशन है वो ट्रेवलिंग सेल्समैन के लिए ऑप्टिमल नहीं है बी के लिए भी देखे तो बी से हमारा यहाँ पे सी पे जा रहा है और सी से बी पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो है सारा सिटी को हमारा सेल्समैन विजिट नहीं कर रहा है तो इसके बाद हम लोग फिर से जो है मिनिमम चूज करेंगे जो हमारा स्टेप था देखिए जो हमने यहां पे किया था हमारा नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन चूज करने के लिए हमने टू को चूज किया था इसके इसी तरीके से अब हम लोग इस टेबल के लिए भी करेंगे ओके okay, तो हम लोग क्या करना है नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन कैन बी ऑप्टेन बाय ब्रिगिंग द मिनिमम नॉन जीरो एलिमेंट तो अब यहाँ पे देखिए जीरो के बाद हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा टू है लेकिन टू को जो हम लोग चूज करके तो हम लोग अपना असाइनमेंट कर ही चुके थे तो वहां से तो हमारा कोई सॉल्यूशन निकला नहीं तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे हमारे पास जो टू के बाद जो हमारा जो है नेक्स्ट हाइस्ट एलिमेंट है मतलब जीरो मिनिमम उसके बाद हमारे पास टू मिनिमम था उसके बाद जो हमारे पास मिनिमम है फोर है तो हम लोग क्या करेंगे फोर को इस बार चूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम नॉन जीरो एलिमेंट जो है फोर को चूज करेंगे तो अब हम लोग फोर को ट्रीट करेंगे एज आ कि वो हमारे पास वो फोर जो है जीरो है तो यहाँ पे एक जगह फोर है यहाँ पे दूसरी जगह पे फोर है तो अब हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट करते हैं फर्स्ट तो हम लोग को यहाँ पे देखिए टू जीरो है स्किप कर देंगे सेकेंड रो में भी हमारे पास टू जीरो है इसको भी स्किप कर देंगे थर्ड रो में हमारे पास एक जीरो है और एक फोर है और हम लोग को फोर पे असाइनमेंट करना है क्योंकि हम लोग का जो है जीरो पे असाइनमेंट करने से सॉल्यूशन नहीं आ रहा था तो पहले हमने फोर पे असाइनमेंट कर दिया इसके साथ हमारे पास जो रो और उसके कॉलम में जो भी जीरो या फिर फोर है उसको हम लोग को क्रॉस कर देना होगा हो गया अब हमारे पास जो है लास्ट रो है रो तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है दो जीरो है इसको भी स्किप कर देंगे अब हम लोग देखिए कॉलम वाइज जो असाइनमेंट करते हैं तो कॉलम ए में हमारे पास एक जीरो है इसको कॉलम वाइज हमने मार्क किया तो इसके साथ जो रो में हमारे पास रहेंगे उनको हम लोग क्रॉस कर देंगे जीरो को भी करना है फोर को भी करना है क्योंकि फोर हम लोग यहाँ पे चूज किए हैं इसके बाद कॉलम बी में है हमारे पास एक जीरो एक जीरो है तो इसको हम लोग जो है मार्क कर देंगे और इसके साथ हमारे पास कोई भी जीरो या फोर नहीं है इसके बाद हमारे पास, पास कॉलम सी में जो है एक जीरो है एक जीरो है तो हम लोग इसको क्या करेंगे मार्क कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक भी है जीरो नहीं बचा है तो अब हमारे पास असाइनमेंट कुछ इस तरीके से आया हमारे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट आए हैं फोर वन टू थ्री फोर चार असाइनमेंट आए हैं और हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी जो है वो फोर है तो यहां पर अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा असाइनमेंट जो है ट्रेवलिंग सेल्समैन के लिए सही है या नहीं तो हमारा जो सेल्समैन है वो ए से बी पे जाएगा सिटी ए से बी पे जाएगा देखिए यहां से ए से बी पे गया यहाँ पे असाइनमेंट हुआ है फिर हमारा जो है बी से वो सी पे जा रहा है फिर ये बी पे था अभी ए से बी पे चला गया जब बी पे था तो वो बी से जो है सी पे चला गया अभी वो सी पर है तो वो सी से फिर कहा गया है सी से वो डी पर गया है सी से वो फिर डी पर चला गया और अभी वो डी पर है तो वो डी से फिर कहा गया है ए पर डी से वो ए पर चला गया तो देखिए ए से बी बी से सी सी से डी और डी से ए तो ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा वो ट्रैवलिंग सेल्समैन के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो अब हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्यूशन लिख सकते हैं तो अब हम लोग बोल सकते हैं सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी यहाँ से जो सॉल्यूशन निकला है हम लोग ओरिजिनल जो टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको देखते हैं देखिए हमारा जो सेल्समैन है वो ए से बी पे जा रहा है फिर बी से सी पे जा रहा है फिर सी से हमारा जो है डी पे जा रहा है और डी से ए पे जा रहा है तो जिस तरीके से वो गया है उसी तरीके से हम लोग लिखना है यानी कि फोर प्लस फोर प्लस नाइन प्लस फाइव तो यहां पे हम लोग का जो है सॉल्यूशन आया फोर प्लस फोर प्लस नाइन प्लस फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी टू अब आप लोगों को जो क्वेश्चन में जिस तरह जो भी दिया हुआ रहेगा जैसे कि कॉस्ट दिया हुआ है तो रूपीज लिख देंगे अगर हम लोग को टाइम पूछा है मिनिमम टाइम तो आवर्स uh, लिख देंगे यहाँ पे ट्वेंटी टू जो भी हमारा क्वेश्चन में जैसे रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग यूनिट को लगा देंगे तो आई होप आप लोगों को जो ये एग्जाम्पल जो है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का ये समझ में आया होगा तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए थैंक यू सो मच गाइज